नमः शिवाय। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य के विषय में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो आदि, ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? परिश्रम करने पर ही। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना की भावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक वह घर पहुंच गया होगा। अर्थात जिन वाक्यों से संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उन्हें ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश, क्या गोल किया है आदि, ये सब विस्मयादिवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमः शिवाय।